सभी साथियों को नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करने के क्रम में हम लोग आगे आज कवर करेंगे सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो जो भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सुपर टेट का सिलेबस है ये, और कहाँ कहाँ तक किन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया कि चाहे आप पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप डीएलएड के छात्र हो, या शिक्षा शास्त्र से मतलब कहीं पर भी आपका संबंध है, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा और प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा। तो आगे पढ़ना अगर हम शुरू करें तो माइक्रो टीचिंग का नाम आप सब जानते हो, माइक्रो टीचिंग है। और कई सारे और भी स्किल्स हैं, लगभग 10-11 शिक्षण कौशल की हम बात आज करेंगे, उन सबको पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहा गया सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या हुआ, माइक्रो टीचिंग क्या है, क्या ये एक प्रकार का शिक्षण है क्या? पहला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का रूप नहीं है, या ये सूक्ष्म शिक्षण है क्या? तो सूक्ष्म शिक्षण कि कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है। पहली बात तो आप जान लीजिए, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाने का तरीका नहीं है, अभी तो ये क्या है, तो ये शिक्षक कौशल प्रशिक्षण है ये, ठीक है? ये जो प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए छात्रों को, बच्चों को जो समझाया जाता है, ठीक है, जब उनको अपना बीएड या बीटीसी के क्रम में होते हैं तो उनको जो शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है उसका ये हिस्सा है माइक्रो टीचिंग। चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो कहा गया कि इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1961 में 1961 में एचिसन बोस तथा एलन ने सर्वप्रथम किया था। इसीलिए वैसे तो ये तीन नाम इससे संबंधित है, परंतु AWLN को हम सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता मानते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता या सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो AWLN आप लगाइएगा। इसी क्रम में ये तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये डेवलपमेंट था, इसको भारत में भी अप्लाई किया गया लगभग 6-7 वर्षों बाद। तो भारत में इसको सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, या इस शब्द को सबसे पहले किसने लागू करने या अपने यहाँ प्रयोग करने का काम किया, तो भारत में सर्वप्रथम डीडी तिवारी थे। कौन? भारत में सर्वप्रथम डीडी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग, शिक्षक प्रशिक्षण, बात आ गई आपके लिए, शिक्षण प्रशिक्षण में के क्षेत्र में किया। किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है? ये कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य क्या है, शिक्षण का लघु रूप क्या होता है। इसमें एलन ने इसको इसके रूप को परिभाषित करते हुए कहा अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में, कहा कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार के शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। चलिए ये परिभाषा कभी अभी आज तक पूछी नहीं गई है, फिर भी आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। इस पार्ट से क्वेश्चन आता है लगातार, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। अगर ये एक चक्र आप यहाँ पर गोल गोल बनाएंगे तो इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र में क्वेश्चन आता है कि माइक्रो टीचिंग साइकिल में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग, और प्लानिंग का मतलब हुआ योजना बनाना, ठीक है? फिर प्लानिंग के हिसाब से आप क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। प्लानिंग के हिसाब से आप टीचिंग करते हैं, तो ये दूसरा आपका टर्म हुआ सूक्ष्म शिक्षण। फिर टीचिंग करने के बाद जो भी शिक्षक आपके स्किल को जज कर रहा होता है, या देख रहा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है, ठीक, ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो आपको आप में क्या अच्छाई रही और क्या बुराई रही वो सारी बातों को बताने का प्रयास करता है, तो फीडबैक देता है। फिर आप उस फीडबैक के आधार पर रीप्लानिंग करते हैं, और फिर उस आधार पर आप रीटीचिंग करते हैं, और आपको पुनः फीडबैक प्राप्त होता है कि हाँ आपने काफी सुधार। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने स्टेप हो गए, तो पहला एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीन हो गए, चार हो गए, पांच, और लगभग 6 स्टेप होते हैं।
और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है योजना बनाना या प्लानिंग करना। ठीक, क्वेश्चन आपके यहाँ आ चुका है। इस सूक्ष्म शिक्षण यानी जो ये सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जाता है, उसमें सभी, अगर मान लीजिए 50 छात्राध्यापकों का समूह है, तो उसमें से हम 5 से 10 छात्राध्यापकों का एक समूह बना लेते हैं। और एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी रखी गई है, तो इम्पोर्टेंट टर्म है कि एक पाठ की अवधि कितनी है, तो एक पाठ की अवधि हो गई आपकी कितनी, 6 मिनट हो गई। कितनी हो गई आपकी, 6 मिनट हो गई। और इस प्रकार से 6 स्टेप है, एक स्टेप के लिए आपको 6 मिनट का समय दिया गया है। तो कुल सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी हो गई, तो कुल सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट रखी गई। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, छात्रों को शिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए। दूसरा, कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कौन सा होता है? पाठ योजना। एक पाठ की अवधि कितनी होती है, एक सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी होती है? 6 मिनट की होती है। कुल सूक्ष्म शिक्षण चक्र की टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, तो वो 36 मिनट होती है। ठीक, ये हो गया आपका माइक्रो टीचिंग के बारे में। आगे हम लोग विभिन्न शिक्षण कौशलों के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो शिक्षण कौशलों की बात करें तो उससे पहले आखिर ये होते क्या है, कितने शिक्षण कौशल हैं, इन सब पर चर्चा कर ले, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आपका इससे पिछली बार पूछा भी गया था और पूछे जा भी सकते हैं। तो आखिर स्किल्स को हम जानते हैं कि एक प्रकार की क्षमताएं हैं और ये सभी चीजें सीखनी पड़ती हैं। स्किल यानी कौशल सारी क्या है, योग्यताएं होती हैं और उन सबको हमें सीखना होता है। इसीलिए हम माइक्रो टीचिंग, एक हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके तहत हम इस चीजों को सिखाते हैं। कहा गया शिक्षक द्वारा यह है क्या, शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव भंगिमा विविध कार्यकलापों के व्यवहारिक तौर तरीकों से इसका संबंध है। शिक्षण कौशल से हम क्या करते हैं, तो शिक्षण कौशलों से हम शिक्षण विधुओं के क्रम का ज्ञान करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने शिक्षण को संचालित करना चाहिए, किस क्रम का हमें पालन करना चाहिए। एनएल गेज के अनुसार शिक्षण कौशल, ये परिभाषा पूछी जा चुकी है, शिक्षण कौशल विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाओं एवं प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को इफेक्टिव यानी प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। और यह शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा वैसे तो। आइए, ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है और यह शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती रहती है। इसी बात पर बी के पासी जी लिखते हैं कि शिक्षण कौशल क्या है, तो शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई समस्त शिक्षण क्रियाएं तथा व्यवहारों का समूह। इसी बात पर डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की डेफिनेशन, बड़ी अच्छी किताब है शैक्षिक तकनीकी की, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुलश्रेष्ठ की किताब अल्टीमेट बुक है हिंदी भाषी छात्रों के लिए। तो शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ का वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली एवं सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतः प्रक्रियाओं में यानी इंटर कम्युनिकेशन जो हमारा इंटर है उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। तो ये परिभाषा पूछी जा सकती है, भी तो कम पूछी गई है लेकिन पूछा जा सकता है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ का शस्त्र है जिसका प्रयोग करके बस अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली एवं सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। किसने कहा? तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा। ठीक है, तो ये बातें अभी तक इतनी हुई। कुल मिलाकर के ये सब अगर चर्चाएं जो हुई हैं उन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल क्या है, प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है, इससे अधिक इफेक्टिव होता है और इन चीजों को सीख लेने से एक अच्छा शिक्षक आप अच्छा शिक्षण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कितनी प्रकार की क्षमताएं हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोगों ने इसको विभिन्न तरीके से एक्सप्लेन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगर कहें, ठीक है, तो पिछली बार परीक्षा में पूछा गया कि एलन तथा रायन ने कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया है, तो एलन तथा रायन ने 14 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया। कितने शिक्षण कौशल का? 14 शिक्षण। दूसरा आता है सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन CASE MS विश्वविद्यालय बड़ौदा ने कितने प्रकार के शिक्षण कौशल का उल्लेख किया है,
तो इन्होंने 21 प्रकार के शिक्षण कौशल का उल्लेख किया है। और अगर ऊपर जो परिभाषा आपने पढ़ी कि बीके पासी ने कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया, तो 13 शिक्षण कौशल का उल्लेख किया है, जिसमें से एलन तथा रायन कई बार पूछे जा चुके हैं। एलन तथा रायन ने 14 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है, बी के पासी ने 13 शिक्षण कौशल का उल्लेख किया है, और सेंटर फॉर एडवांस स्टडी यानी CASEMS, या फिर सीधे कहा जाए कि MS विश्वविद्यालय बड़ौदा ने कितने प्रकार के शिक्षण कौशलों को बताया है, तो उन्होंने 21 कौशलों को बताया। ठीक है, आपको 14 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एलन तथा रायन के बारे में। ठीक है, अब कुछ शिक्षण कौशल को फटाफट पढ़ करके खत्म करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया, पाठ प्रस्तावना कौशल, लेसन इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है, अपने पाठ को हम क्या करेंगे, परिचित कराएंगे बच्चों से। तो कहा जाता है ये क्या होता है, तो ये शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण है। इस कौशल में हम अज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को ले जाने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ बातें उनको पता है उन बातों से, यानी हम किस विधि का प्रयोग करेंगे ये जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ज्ञात से अज्ञात में हम किस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विधि यानी आप आगमन निगमन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब प्रस्तावना के घटक क्या है, किन किन बातों को ध्यान रखते हैं कि बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, इससे संबंध में उद्देश्य होना चाहिए और सहायक सामग्री हो, प्रश्नों को का मुख्य पाठ से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, कुछ समय दीजिए बच्चों को प्रस्तावना को समझने के लिए, प्रश्नों का जवाब देने के लिए, छात्रों की रुचि और प्रेरणा के अनुरूप पाठ प्रस्तावना प्रस्तुत की जानी चाहिए और कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। तो पाठ प्रस्तावना कौशल से प्रश्न आया कि शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण किसे कहा गया है, तो शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण पाठ प्रस्तावना कौशल, किस कौशल का प्रयोग शिक्षण की शुरुआत में किया जाता है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। पाठ प्रस्तावना कौशल में किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है। दूसरा जाता है उद्देश्य कथन। ठीक है, यानी आपने बच्चों से जब कहा कि आप अगर पर्यावरण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, या नदी तालाब के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जलीय जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जब अगर आप अपने टॉपिक पर आ गए हैं, तो आप कहेंगे आज इसी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से हम बाहर पानी के बाहर रहते हैं और सांस ले लेते, ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, अपने जीवन को जी पाते हैं, इसी प्रकार से जल में रहने वाले जीव किस प्रकार से अपना जीवन संचालित करते हैं, आज हम ये सब समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या आज का हमारा लक्ष्य है, आज हम क्या सीखने वाले हैं, ये हम बच्चों को जब बताते हैं तो वो हमारा होता है उद्देश्य कथन कौशल। ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट स्किल कहते हैं। शिक्षण का अगला चरण क्या होता है, उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत की जाती है और उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। ठीक है, अगली बात अगर हम कहें तो अगला जो हमारा स्किल है वो है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न क्या है कि अब हम बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये किस कौन सी विधि है, इस तरीके से अगर आप बात करें तो इसे खोजपूर्ण प्रश्न कहते हैं। आइए जानते हैं क्या सिंह महोदय कहते हैं, शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। प्रश्नोत्तर विधि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कितनी महत्वपूर्ण मानी गई है, कहा गया कि अगर अगर आप प्रश्नों से अपना पाठ शुरू करते हैं तो आप दिशा दे पाते हैं। शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है और यह शिक्षण का उत्तम साधन है। क्या कहा गया, यह शिक्षण का उत्तम साधन, किसने कहा, थ्रिंग महोदय। प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हैं, तो एक तो संकेत देना प्रॉम्प्टिंग, विस्तृत सूचना प्राप्ति और पुनः केंद्रीकरण और पुनः प्रेषण तथा आलोचनात्मक सजगता, इन सब बातों को अब एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। देखो तमाम सारी बातें हैं, इन सब बातों में से हमारा प्रश्न कहाँ से निकलेगा ये बात ध्यान रखना है। तो कहा गया कि प्रश्न कौशल का घटक है संकेत, संकेत देना, दूसरा विस्तृत सूचना। एक क्वेश्चन और आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों में हम संकेत नहीं देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्नों में हम, किस प्रकार के परीक्षण में हम संकेत नहीं देंगे, तो हम उपलब्ध परीक्षणों में या जो हमारा वार्षिक परीक्षा है उसमें हम किसी प्रकार का, या अंतिम मूल्यांकन के समय हम छात्रों को प्रश्नों को कि उत्तर के लिए संकेत नहीं देते। ठीक है, प्रश्नों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सरल स्पष्ट और प्राथमिक स्तर, अनुकूल विविधतापूर्ण तथा बोधगम्यतापूर्ण होने चाहिए। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए, और जिज्ञासा जो जो गहरी होती जाएगी ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा।
इसी बात पर आगे चले तो कहा गया कि व्याख्यान और स्पष्टीकरण कौशल, बहुत सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको टू द पॉइंट बातों को बताने का प्रयास किया, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक, उन पर ही पूरा लेक्चर बेस्ड रहता है और उसी पर आपका पूरा पीडीएफ भी बेस्ड है। चाहे तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप परचेज कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। व्याख्यान एवं स्पष्टीकरण कौशल, अनेक प्रकार के सिद्धांत, संप्रत्यय और नियमों को सीखने के लिए हम स्पष्टीकरण कौशल का प्रयोग करते हैं, और स्पष्टीकरण विधि भी हमने कहा था कि भ्रामक पक्षों को एक्सप्लेन करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो हमने कहा था स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को, कॉन्सेप्ट को, रूल्स को, नियमों को समझने के लिए हम व्याख्यान कौशल का प्रयोग करते हैं, ये लेक्चर में स्किल्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिलहाल वहां पर सबको अलग अलग थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया था। अब कोई भी स्पष्टीकरण दिया जा रहा है तो क्या होना चाहिए, तो आपके कथनों में एक तारतम्यता होनी चाहिए, भाषा में एक धारा प्रवाह होना चाहिए और प्रारंभिक कथनों का प्रयोग होना चाहिए। स्पष्ट निष्कर्ष निकलना वाले कथन आप प्रयोग करेंगे, छात्रों को उसमें इन्वॉल्व रखेंगे और बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते जाएंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि स्पष्टीकरण विधि के बाद प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि बच्चों को चीज समझ में आई या नहीं, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन स्किल की बात करें, दृष्टांत कौशल की बात करें, तो दृष्टांत मैंने आपको बताया था, दृष्टांत एक उदाहरण है और उदाहरण जो है वो सही उदाहरण है, ठीक है। कहा गया अब क्वेश्चन है, दृष्टांत कौशल का तात्पर्य तो उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण करना क्या कहलाता है, दृष्टांत कौशल कहलाता है, ठीक है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण को ही हम दृष्टांत कौशल कहते हैं, ये व्याख्यान कौशल की ही एक विधि है। लैंडन के अनुसार कहा गया, उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है बल्कि यह ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में भी मददगार होता है। तो ये आपका दृष्टांत कौशल यानी उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण क्या कहलाता है, दृष्टांत। उद्दीपक परिवर्तन यानी स्किल ऑफ स्टिमुलस क्वेश्चन इससे खूब पूछा गया है और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि इस उद्दीपन परिवर्तन का मतलब क्या हुआ। आज हम अब पढ़ाते पढ़ाते कहीं हमने कहानी सुनाना शुरू कर दिया, पढ़ाते पढ़ते हमने कुछ चित्र दिखाना शुरू कर दिया, तो जिससे बच्चे जो है थोड़ा सा क्लास की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। तो कहा जाता है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक व्यवहार में अपने जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से पढ़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें, थोड़ा सा जिससे नयापन बना रहे, छात्र उसमें इंटरेस्ट लेते रहे। तो क्वेश्चन एक बार आया कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल का प्रयोग किया जाता है, तो कई बार कह देते हैं कहानी कथन, कहानी कहना। तो वैसे तो कथन की जब आएगी बात तो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर कौशल की अगर बात आ रही है तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहा जाता है, अच्छी किताबों में यही लिखा हुआ है। प्रमुख घटक क्या क्या है, यथोचित शरीर संचालन, ठीक है, यथोचित शरीर संचालन, भाव भंगिमा का प्रयोग, भावों का केंद्रीकरण तथा स्वरों में उतार चढ़ाव होना चाहिए, थोड़ा सा मौन विराम भी दीजिए, शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन हो, दृश्य श्रव्य जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं और छात्रों का सहयोग ले सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी में कुछ परिवर्तन लाकर अपने एक पाठ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसी तरीके से अगला आ गया छात्र सहभागिता कौशल, स्किल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, ऊपर जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। जाहिर सी बात है छात्र सहभागिता का मतलब क्या हुआ, बाल केंद्रित शिक्षण में सहायक है ये, छात्र सहभागिता से शिक्षण अधिक रुचिकर और अनुशासित रहेगा इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पुनर्बलन से मतलब क्या होता है, ऐसे उद्दीपन जिसकी प्रस्तुतिकरण या उन्हें हटाने से क्रिया अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। रीइंफोर्स का मतलब ही होता है, री मतलब होता है दोबारा और इनफोर्स मतलब होता है किसी काम को करने के लिए मजबूती प्रदान करना, ठीक है। वैसे तो ये इन्फोर्समेंट जो है ये लॉ का टर्म है, फिर भी यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी अनुक्रिया को करने के लिए बार बार प्रेरित करने का प्रयास करना, वो हमारा रीइंफोर्समेंट कहलाएगा, ठीक है। कैसे री, कोई बच्चा किसी तरीके से किसी काम को दोहराने का काम प्रयास करता है तो हम कहते हैं कि कक्षा शिक्षण में हम क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है आपका,
कक्षा शिक्षण में यानी क्लास टीचिंग में बच्चों को अप्रिसिएटिव वर्ड्स का यूज करिए, आप कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करिए। ये भी क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि निम्नलिखित कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करना निम्नलिखित में से किस कौशल से संबंधित है। तो कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करना पुनर्बलन कौशल से संबंधित है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। कई बार लोग दंड को ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत रखते हैं, नहीं रखना चाहिए, ठीक है, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दंड से एक्टिविटी अवरुद्ध होती है। यहाँ पर एक्टिविटी को रीइन्फोर्स किया गया है, इसलिए हम दंड को पुनर्बलन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, और ये लीगली भी अब सही नहीं। अब कहा गया धनात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है, वांछित व्यवहार को यह प्रबल बनाता है जैसे पुरस्कार और प्रशंसा, और ऋणात्मक पुनर्बलन अवांछित व्यवहार को दूर कर वांछित व्यवहार को करने के लिए प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। आगे धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए और ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर वो बात कही गई है उस संदर्भ में, लेकिन जब आप स्किनर की बात करते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट आया है, तो वहां पर दंड को पुनर्बलन की श्रेणी में रखने की बात नहीं कही जाती, और ये डेफिनेशन शिक्षण पुनर्वसन की कई बार आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। बी ए स्किनर शिक्षण पुनर्बलन टीचिंग जो री इन्फोर्समेंट है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, किसने कहा? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, किसने कहा? बी एफ स्किनर ने कहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे दो स्केल और बची है, इसको पढ़ करके हम लोग अपने चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं, ठीक। अगला हो गया हमारा श्याम पट्ट लेखन कौशल, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, अगर आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कई चीजों को कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तथ्यों को छात्रों तक संप्रेषित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो श्याम पट्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। श्याम पट्ट भी एक माध्यम है, इसलिए इसे अध्यापक का क्या कहा गया है? इसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा गया है? तो ब्लैक बोर्ड को, श्याम पट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। शिक्षण में सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग होता है वह दृश्य उपकरण ब्लैक बोर्ड ही है। श्याम पट्ट प्रयोग से शिक्षण जो है वो सुनने के साथ साथ देखने में भी, यानी श्रवणेंद्रियां और नेत्रेंद्रियां दोनों सक्रिय रहती हैं, जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता अंडरस्टैंडिंग और अधिक बढ़ जाती है। इसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहा जाता है दोस्तों। तो शिक्षण कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल में क्या क्या क्वेश्चन है? छात्रों को, तथ्यों को छात्रों तक संप्रेषित करने का मूलभूत साधन है श्यामपट्ट है। निम्नलिखित में से किसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा गया? श्यामपट्ट कहा गया। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला दृश्य उपकरण क्या है? श्याम पट्ट है। निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक कौशल भी कहा जाता है? तो श्याम पट्ट को कहते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड को कहा जाता है। पुनरावृत्ति कौशल, यानी जो रिकॉल कराते हैं, रिपीटेशन कराते हैं बच्चों को, उससे संबंधित स्किल है। शिक्षण कार्य कितना सफल रहा, यानी रिविजन जो आप करा लेते हैं, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है। यानी शिक्षण कार्य के पश्चात अभ्यास प्रश्नों का पूछा जाना क्या कहलाता है? तो पुनरावृत्ति कौशल कहलाता है, ठीक है। शिक्षण कार्य कितना सफल रहा, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से होता है, इसे ही पुनरावृत्ति कौशल कहते हैं। पढ़ाए गए प्रसंग तथ्य को दोहराया जाता है इसमें, जिससे अधिक स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित हो। क्वेश्चन, ये प्रश्न की लाइन है कि पढ़ाए गए प्रसंग तथ्यों को या पढ़ाए गए तथ्य को स्थायी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्किल का प्रयोग करते हैं? तो पढ़ाए गए प्रसंगों तथ्यों को दोहराने से क्या होता है? अधिगम स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी होता है। इसे स्थायीकरण कौशल भी इसीलिए कहा जाता है। इसे स्थायीकरण कौशल कहा गया है, तो पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल कहा गया। आखिरी देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, कक्षा कक्ष प्रबंधन, यानी अपने विभिन्न व्यवहारों को आप संयोजित तरीके से प्रस्तुत कर पाइए, यही क्लासरूम मैनेजमेंट है। तो सीधी एक लाइन में कहा गया कि शिक्षक अपने शिक्षण में एक से अधिक कौशल का प्रयोग कर अपने कक्षा
शिक्षण व्यवहारों को नियंत्रित कर प्रभावपूर्ण शिक्षण करता है। यानी विभिन्न जो आपने जितनी भी ऊपर स्किल 10 स्किल पढ़ी हैं, उन सभी स्किल्स का आप अच्छे से उपयोग करके अपने क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाइए, यही आपका क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल कहलाता है। तो आज हमने शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ा, अगले लेक्चर में हम लोग शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें खूब पूछा जाता है। तो जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़े, ये सुपर टेट का सिलेबस है तो ये मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है। सारी चीजें मतलब की हैं, क्योंकि जितना भी कंटेंट मैं खोज कर लाता हूँ वो सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो ध्यान से सभी चीजों को पढ़ने समझने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।